रोहतक के उद्योग पर भी पड़ रहा कोरोना वायरस का असर। एलपीएस बोसाड को भी हो रही स्टॉक की परेशानी। मीडिया से मुखातिब हुए उद्योगपति राजेश जैन। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का असर रोहतक के उद्योग पर भी पड़ता दिख रहा है। एलपीएस बोसाड के एमडी एवं समाज सेवी राजेश जैन मीडिया से मुखातिब हुए। राजेश जैन ने कहा कि उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हमें भी स्टॉक की कमी हो रही है। देखो, रोहतक नटवोल्ट की हमारी फैक्ट्री में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्ट है। मैं अगर आज एलपीएस बोसाड में भी देखूं तो मेरे पास 2000 कस्टमर्स हैं, उसमें से मैं आज अभी सुबह रिपोर्ट देख रहा था तो 60-70 कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनका कि मटेरियल कुछ ना कुछ हम चाइना से लाते हैं। तो अभी हमारे पास फरवरी तक का तो कुछ मटेरियल है, फरवरी में भी शॉर्टेज है, मार्च में भी शॉर्टेज है, तो हम उसको लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम नहीं दे पाए तो हमारे कस्टमर्स की लाइनें बंद होंगी और कस्टमर्स हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो अभी भी कल जैसे मैं दिल्ली गया था, सीतारमन ने कम से कम 1000 बिजनेस हाउसेज को बुला रखा था, तो सभी का कंसर्न है कि भाई चाइना से सप्लाई चेन पे इफ़ेक्ट है, प्रोडक्ट आ नहीं रहा, तो काफ़ी लोगों की कंपनियां बंद होनी शुरू करेंगी। साथ में अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए कि भाई जो प्रोडक्ट इतने साल से वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे तो काफ़ी कंपनीज इनको मौका देंगी। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे एल्स्टॉम ट्रेन को देता हूँ जो मेट्रो ट्रेन बनाती है, तो मैं उनको अगर प्रोडक्ट नहीं दूंगा तो उनकी लाइन रुक जाएगी। जी मेडिकल को मैं देता हूँ, उनकी लाइन रुक जाएगी, सीमेंस की लाइन रुक जाएगी आपकी। मैं तो अब वो हम कोशिश कर रहे हैं, पर हर आदमी को कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है इसका, और इंडिया में भी इफ़ेक्ट है और ग्लोबली पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि एप्पल ने जैसे ऑलरेडी अपने अगले 3 महीने का कह दिया है कि मेरे तो हर क्वार्टर के रिजल्ट्स, मेरी सेल्स डाउन है, तो सभी के ऊपर इफ़ेक्ट है।